नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट टू। इस वीडियो में अपन बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन 1914 में स्टार्ट हुआ था। ये वही टाइम था जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश आर्मी का जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा, जिसके कारण टैक्सेस बढ़ाया जाने लगा, जैसे कि इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज कर दिया गया, जिसके कारण इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। 1918 तक सारे चीज़ों के प्राइजेस पहले से डबल हो चुके थे और बहुत सारे यंग इंडियन विलेजर्स को ब्रिटिशर्स के साथ में वॉर में लड़ने के लिए फोर्स भी किया गया। और दोस्तों, ये वही टाइम था जब क्रॉप फेलियर भी हो गया और फूड की शॉर्टेज होने लगी। जब 1918 में वॉर एंड हुआ तब सबको लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सारी चीज़ों के प्राइजेस पहले जैसे हो जाएंगी। पर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यह वही टाइम था जब महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया में सत्याग्रह का आइडिया स्प्रेड किया। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने इसी आइडिया के साथ में रेसिस्ट रिजिम में पार्ट लिया था। इंडिया आने के बाद में उन्होंने अपने इसी आइडिया को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां गांधी जी ने प्लांटेशन सिस्टम को अपोज किया। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, जहां पर गांधी जी ने मिल ओनर्स को मिल वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज करने को कहा। बट 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इस एक्ट के मुताबिक हर ब्रिटिशर्स के पास में ये पावर है कि वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं बिना किसी रीजन के। और इसी एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी का ये कहना था कि अगर हम किसी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी सच्ची चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं तो उसको नॉन वायलेंस, अहिंसा के थ्रू जीता जा सकता है। और दोस्तों, इसी आइडिया को सत्याग्रह का नाम दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान काफ़ी लोगों ने अपने शॉप्स को बंद कर दिया, रैलीस को भी ऑर्गेनाइज किया गया और काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्राइक्स पे भी चले गए। इस पूरे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ में जो मिलिट्री का हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर होता है उसको गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है। और उस टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर को दी गई। 13 अप्रैल 1919 में जलियावाला बाग में बैसाखी का फेस्टिवल लगा था। बहुत सारे लोग वहाँ पर खुशियाँ मनाने आए थे। बट उसी टाइम वहां पर जनरल डायर पहुंच गया और उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करवा दिया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इंडियंस पे गोली चलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अराउंड 350 इंडियंस मारे गए थे और 1200 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। ब्रिटिशर्स का ऐसा करने का एक ही मोटिव था कि इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए डर बना रहे और वो आगे से ऐसा प्रोटेस्ट ना करें। पर उल्टा लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू कर दिया और ये एक वॉयलेंट मूवमेंट बन गया। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो दोस्तों, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। उस बुक में उन्होंने कहा, इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उन्हें करने दे रहे हैं। जिस दिन से इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ में कॉपरेट करना बंद कर देंगे उस दिन के 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का फैसला लिया। इस बार गांधी जी चाहते थे कि सारे के सारे इंडियंस इस मूवमेंट में मिलजुल कर एक साथ पार्ट लें। इसलिए हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो कि उस टाइम के मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे। उन्होंने उनसे अपने आइडियाज डिस्कस किया और उनका सपोर्ट जीता, जिसके कारण इस मूवमेंट में हमें मुस्लिम कम्युनिटी का भी पूरा सपोर्ट मिला। तो इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट रख दिया, क्योंकि जो खलीफा थे वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर थे।
तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का। आशा करता हूँ ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वे में आपको SST पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।